क्या है जीनत अमान और देवानंद की लव स्टोरी का सच? क्या हुआ उस दिन जब सरे आम राज कपूर ने किया जीनत अमान को किस? क्यों टूट गया देवानंद का दिल? क्या है ये पूरा वाकया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जीनत अमान 70 और 80 के दशक की सबसे हॉट और ग्लैमरस हीरोइंस में से एक थी और उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम और शोहरत दिलाने वाले और उनके मेंटोर थे चार्मिंग और कैरिज्मेटिक देवानंद। 70 के दशक में हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, डार्लिंग डार्लिंग, कलाबाज, वारंट जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। देवानंद जीनत अमान के कॉन्फिडेंट और बोल्ड अंदाज पर धीरे धीरे फिदा होते चले गए। उन दिनों जीनत और देवानंद दोनों ही मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में काफ़ी चर्चा में रहते थे। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि जब भी जीनत की किसी मैगजीन में तारीफ होती तो मुझे बहुत गर्व होता था और जब मेरी तारीफ होती तो जीनत को। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी इमोशनली अटैच हो गए थे, यानी कि दोनों में काफ़ी गहरा भावनात्मक संबंध था। इस बायोग्राफी में उन्होंने आगे बताया कि कैसे राज कपूर ने जीनत के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से देव साहब ईर्ष्या से जल उठे। ये वाक्या हुआ था जीनत और देव साहब की फिल्म इश्क 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 के प्रीमियर पर। प्रीमियर ख़त्म होने पर राज कपूर ने भरी ऑडियंस के सामने जीनत को किस किया। देव साहब कहते हैं कि मैं जीनत को अपनी खोज समझता था, कि वो मेरी थी, मेरी डिस्कवरी और मेरी लीड हीरोइन। ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, देव साहब को एहसास होने लगा कि वो जीनत को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आखिर उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी जीनी बेबी से अपने प्यार का इजहार करेंगे। वो अपने प्यार का इजहार स्पेशल बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ताज होटल के रॉन्डेवू में स्पेशल बुकिंग कराई। ये जगह ताज के सबसे ऊंची मंजिल पर है और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। देव साहब और जीनत यहाँ पहले भी खा चुके थे और ये जगह देव साहब के लिए स्पेशल थी। उन्होंने जीनत को फ़ोन करके इस खास मुलाकात के लिए डेट भी फिक्स कर ली थी। ये मुलाकात होनी थी एक पार्टी के बाद, लेकिन किस्मत कि इस पार्टी में भी पहुंच गए राज कपूर। अपनी बायोग्राफी में देव साहब ने लिखा, नशे की हालत में धुत राज कपूर ने जीनत को अपनी बाहों में भर लिया और जीनत ने भी इस आलिंगन का जवाब कुछ इस तरह दिया जो सिर्फ विनम्रता से बढ़कर कुछ और था। देव साहब को इन दोनों का इस तरह मिलना ऐसा लगा कि जैसे दोनों का संबंध मामूली जान पहचान से कुछ ज़्यादा था। उनका दिल टूट गया। उनके लिए जीनत अब पहले वाली जीनत नहीं रह गई। जब उन्होंने जीनत से पूछा कि वो कितनी देर पार्टी में रुकेंगी तो जीनत राज कपूर की ओर देखने लगी। राज कपूर ने देव साहब से कहा कि जीनत को वहीं रुकने दें। देव साहब इस सब से पूरी तरह से हर्ट हुए। पार्टी के बाद ताज में रखी स्पेशल मीटिंग का भी अब कोई मायने नहीं रहा था। वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं। देव साहब ने जीनत को अपने दिल का हाल कभी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जीनत के प्रति कभी कोई बुरी भावना भी नहीं रखी। उन्होंने मन ही मन खुद को जीनत से अलग कर लिया और जीनत को अपने सपने अपनी तरह से जीने के लिए आज़ाद कर दिया। कई साल बाद एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने बताया कि उन्हें देव साहब की फीलिंग्स के बारे में तब कुछ भी पता नहीं था और उनके मन में देव साहब के लिए सिर्फ इज्जत का भाव था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या होता उस दिन अगर राज कपूर बीच में ना आते? ये बात सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के बनने से पहले की है। अगर वो खास मुलाकात होती तो क्या जीनत अमान ये फिल्म करती? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।